बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आता है और कैसे हमें ये यूज़ करना चाहिए। बेटनोवेट एन क्रीम 20 ग्राम की पैकिंग में आता है और ये तकरीबन 55 to 57 या बहुत हो तो 65 रुपीज़ का मिल जाता है। वैसे इसके ऊपर जो प्राइस मेंशन है वो 59 रुपीज़ है, तो 59 रुपीज़ का मिल जाता है। ये मेडिकल स्टोर से लेके कॉस्मेटिक स्टोर तक ये अवेलेबल होता है। कॉस्मेटिक स्टोर पे इसलिए ये अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वाइटनिंग क्रीम में यूज़ करते हैं, तो ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देता है। इसका ये फ़ायदा है कि स्किन आपकी बहुत चांद की तरह चमकेगी, बहुत रोशन हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है, बेदाग हो जाती है। सिर्फ 4-5 दिन के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत शाइन करना शुरू हो जाती है, वाइट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। तो इस क्रीम के ये फ़ायदा है एक, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग इसको बेटनोवेट का मिक्सचर जो है क्रीम में डिफरेंट क्रीम्स में यूज़ करते हैं। कोई भी क्रीम आप लेके बेटनोवेट डाल के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोग तिब्बत में यूज़ करते हैं और स्टिलमंस में, मतलब जो भी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं लोकल, लोग उसमें फार्मूला क्रीम में बेटनोवेट का यूज़ ज़रूर करते हैं क्योंकि इसके बगैर वो आपको वाइटनिंग नहीं आएगी। बेटनोवेट एन क्रीम जो यूज़ करते हैं तो फ़ौरन वाइटनिंग भी आती है, कलर बहुत फ्रेश और साफ नज़र आता है। दिनों में आप गोरे चिट्टे हो जाते हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक भी होता है, डार्क होता है, तो फार्मूला क्रीम लगाने से उनका कलर बहुत वाइट हो जाता है। स्पेशली फार्मूला क्रीम में बेटनोवेट एन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बाकी बेशक इतनी क्रीमें मिक्स कर लें लेकिन जो बेटनोवेट एन क्रीम आपको देगी वो कोई भी नहीं देगी। अब ये तो आपने इसके सारे फ़ायदे सुन लिए, अब इसके नुकसान सुने कि क्या इसके नुकसान होते हैं। जो लोग बेटनोवेट एन क्रीम फार्मूला क्रीम में या वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उनकी स्किन की वेंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्किन के ऊपर उसके बाद पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। ये सारे बेटनोवेट एन क्रीम के जो हैं साइड इफ़ेक्ट हैं। पहले मैंने आपको इसके बेनिफिट बताए थे जो टेम्परेरी होते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा आपको लगते हैं कि आपको फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है और इतनी सस्ती है। अगर ये 50-60 रुपए की क्रीम में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए तो लोग महंगी प्रोडक्ट या मेडिकेटेड क्रीम लेना छोड़ दें। ये बेटनोवेट एन क्रीम जो है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर एक्जिमा के लिए और जो है रैश हो जाता है उसके लिए, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी जिसके लिए ये बेटनोवेट एन क्रीम प्रिस्क्राइब की जाती है, और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये दी जाती है। और बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसके के लिए ये दी जाती है, पीछे उन्होंने मेंशन की हुई है कि डॉक्टर किस लिए ये आपको लिख के देता है। स्पेशली एक्जिमा के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है और इस टाइप के, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, इवन आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर गया हो, कोई भी आपको कीड़े ने काट लिया हो, स्वेलिंग हो गई हो, तो उसको कम करने के लिए भी बेटनोवेट एन क्रीम दी जाती है। कोई कीड़ा हो, कोई चीज़ हो, जहरीली चीज़ हो जो बाइट कर गया हो, तो इंसेक्ट बाइट जो किया हो किसी ने भी, तो उसके लिए बेटनोवेट एन क्रीम देते हैं डॉक्टर। तो ये ज़ाहिर है मेडिकेटेड क्रीम बनी हुई है तो किसी पर्पज़ के लिए बनी है, लेकिन ये इस पर्पज़ वाइटनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। लोग इसको वाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू हो गए हैं तो फिर उसके बाद जो है स्किन इतनी डैमेज हो जाती है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारी स्किन बहुत डैमेज हो गई है, स्किन की वेंस नज़र आ रही हैं, तो कोई आप हमें टोटका बता दें, कोई क्रीम बता दें। तो जिन लोगों की स्किन भी इन फार्मूला क्रीम से डैमेज हुई है तो पहले तो आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ इसके आपको बेनिफिट नज़र आएंगे। स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत नज़र आएगी, स्किन के ऊपर से दाग धब्बे दूर नज़र आएंगे क्योंकि आपकी ऊपर वाली लेयर उतर जाती है, नीचे जो स्किन है वो ग्लोइंग और खूबसूरत नज़र आएगी। वो सेंसिटिव स्किन होती है, ऊपर प्रोटेक्शन लेयर उसकी उतर चुकी होती है, तो 1-2 माह गुजरने के बाद, या फिर जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, किसी की स्किन जो है थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसको टाइम लगता है, बट इसकी वेंस आपकी ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएंगी इससे। तो बहुत सिर्फ 100 में से तकरीबन 10% लोग, अगर नहीं साइड इफ़ेक्ट होता, 10% लोग, बहुत ही कम, मैं तो कहती हूँ 5% लोग हो गए जिनको इससे साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करके किसी आपको किसी डिजीज़ या कोई ऐसी टाइप जो डॉक्टर समझते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, आप लिखें। अदरवाइज़ अगर आप फार्मूला क्रीम
कोई भी क्रीम जो आप फार्मूला बनाते हैं उसमें ये यूज़ करते हैं बिल्कुल भी ना करें, आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाएगी। सिंपल क्रीम से आपकी स्किन इतनी डैमेज नहीं होगी, जैसे अगर आप कोई भी बेशक स्टीराइड्स वाली क्रीम्स भी हैं उससे भी इतनी डैमेज नहीं होगी जितनी इससे होगी। हालांकि उसका भी बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और फिर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से कवर होती है, एक बार चीज़ ख़राब हो जाए तो कवर करना मुश्किल होता है। तो वाइटनिंग के लिए आप मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करें, इसका इस्तेमाल वाइटनिंग क्रीम में बिल्कुल भी ना करें। इसका मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि ये जो है ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। पिगमेंटेशन और स्किन थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और पेलिंग भी, स्किन पेल हो सकती है आपकी, पीली हो जाएगी इसके यूज़ करने के बाद। और उसके अलावा जो है अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, आप यूज़ कर रहे हैं वाइटनिंग के लिए, तो मेडिकेटेड क्रीम का रिव्यू मैंने किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम, मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम मैंने बताई है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और स्किन डैमेज भी नहीं होती है। तो ये बेटनोवेट एन के जो हैं फ़ायदे इतने नहीं हैं जितने नुकसान आते हैं, और लॉन्ग टर्म के नुकसान आते हैं। तो बस फ़ायदा यही है जो टेम्परेरी आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगा, 1-2 माह बहुत आपका ग्लोइंग रहेगा, उसके बाद जो इसके नुकसानात होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके साथ ये तिब्बत क्रीम है, तिब्बत क्रीम बहुत एक अच्छी क्रीम है, स्पेशली समर में तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या ऑयली स्किन होता है, एक्सीज ऑयल उनके चेहरे पे होता है, वो कुछ भी कर लें तो उस ऑयल की वजह से स्किन डल नज़र आती है गर्मियों में, तो वो तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल करें। इसका जो है कंप्लीट रिव्यू मैं करूँगी तिब्बत क्रीम का, बहुत अच्छी क्रीम है। तो इसकी एक फार्मूला क्रीम बनती है लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डलती है जो आपकी स्किन के लिए डैमेज हो। मैं चाहती हूँ कि ऐसी हर रेसिपी और हर वो रेमेडी लेके आऊँ जो आपको फ़ायदा भी दे और आपकी स्किन भी डैमेज ना हो, कोई भी चीज़ आपकी डैमेज ना हो के बाद में लोग दुआएं देने के बजाय बददुआएं दें। तो मैं हर वो चीज़ लेके आती हूँ जो आपको फ़ायदा दे, टेम्परेरी जो है आपको फ़ायदा ना दे, लॉन्ग टर्म के लिए आप खुश रहें और दुआएं देते रहें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें, और आप शेयर कर दिया करें वीडियो ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।